हेलो गाइस, वापस आते हैं साइटोस्केलेटन पे। तो यहाँ पे ये मेन है, इट्स अ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो है इलैबोरेट नेटवर्क है और प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, ये याद रखना ठीक है। पूछा जा चुका है इलैबोरेट नेटवर्क होता है। इसका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। अभी देखो नीचे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है इंडिकेशन करके कौन सा क्या है। ये देखो, ये दो जो है सेंट्रल सीट था, ये दोनों सेंट्रल माइक्रो ट्यूबुल्स है। नंबर में याद रखना कितना है, दो है ना। ये याद, पहले नीचे पढ़ा देते तब, नहीं तो तुम समझोगे डायरेक्ट क्या। देखो सिलिया एंड फ्लेला, सिलिया का सिंगुलर सिलियम, फ्लेला का फ्लेलम, ये सब नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा इट्स अ हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये कैसे याद रखना, देखो सिलिया आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक ओर्स काउचिंग मूवमेंट ऑफ आइदर ऑफ द सेल और सराउंडिंग फिलेट। सिलिया जो है ना, सिलिया एक जो है ओर की तरह, ओर मतलब क्या बोलते हैं, मिल करके काम करना, मिल करके काम करने वाले टोटल चीज को ओर कहते हैं। या एक ही डायरेक्शन में सिलिया काम करता है, या तो सिल के अंदर करेगा या बाहर करेगा ठीक है। फ्लैजिला जो होता है कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल जब भी मूव करेगा। मैंने पहले बताया था फ्लैजिला, देखो ये बहुत बार पूछा गया भाई, फिर अगेन है वहां पे फंक्शनली भी देगा ऑप्शन में। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों डिफरेंट है या सेम है? सेम है तो फंक्शनली सेम है या फिर स्ट्रक्चरली सेम है? तो यहाँ पे देख लो, फंक्शनली सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अभी बता देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है देयर कोर, इसका कोर एक्जोनाइम, अभी आगे पढ़ोगे सेंट्रोसोम, उसका कोर एक्जोनी, उसका हब होगा इसका कोर को एक्जोनिम बोलते हैं। बहुत ये सब इंपोर्टेंट है। एक्जोनिम यूजुअली डेवलप जो भी बाहर पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होता है, डेवलप अभी दिखाएंगे, वो नाइन पेयर में होता है, दो दो का दो का नाइन 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 में होता है ठीक है। नाइन पेयर्स ऑफ डेवलप, नाइन पेयर्स ऑफ डब्ल्यूएस आर रेडियली अरेंज इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल, और सेंट्रल वाला माइक्रोट्यूबुल जो होता है वो दो होता है, तो इसी को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं 9 पेयर्स प्लस 2 सेंट्रल ट्यूबुल। जो वापस में ये जो दो सेंट्रल वाला देखा था, वो दोनों जो वापस में कनेक्ट हो रहा है वो हो रहा है किससे, दोनों सेंट्रल वाला लिंकर से, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल रेडियल पेरिफेरल लाइक सेंट्रल ट्यूबुल, सॉरी सेंट्रल ट्यूबुल ब्रिज से, सॉरी गाइज लिंकर से बाहर वाला होगा, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सेंट्रल वाला ऐसे याद रखना सीबी, सेंट्रल ब्रिज पढ़ते हैं ना सीबी, सेंट्रल ब्रिज, सेंटर वाला ब्रिज से जब हम भूल सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, मतलब मैं तो सी मिस्टेक किया, मतलब दिमाग कहीं और था, लेकिन आप याद रखना सी बी सेंट्रल ब्रिज है ना, विच इनक्लोज बाय सेंट्रल सीथ। अब ये दोनों जो था, ये हो गया सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, दोनों ब्रिज से, ये दो रोड को जोड़ने वाला क्या होता है ब्रिज, ब्रिज से इसके दोनों तरफ सेंट्रल सीथ होता है, ये सेंट्रल सीथ होता है ना। सेंट्रल इज कनेक्टेड वन ट्यूबुल इच पेरिफेरल डबलेट बाय इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबुल इच पेरिफेरल, ये और बाहर वाला ये जो जो दो था पेरिफेरल से, ये रेडियल स्पोक, साइकिल का स्पोक देखे हो वो बीच वाले हब से दूर को जोड़ता है ना बाहर वाले रिम को, तो वैसे ही रेडियल स्पोक है। और पेरिफेरल डबलेट, ये जो पेरिफेरल डबलेट है यहाँ पर भी डबलेट होगा, ये आपस में लिंकर से या इंटर डबलेट से जुड़ेगा है ना, इंटर डबलेट ब्रिज से या लिंकर से। बोथ सिलिया फ्लैजिलम आर इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बेडिंग। बहुत बार पूछा गया है सिलिया और फ्लैजिला
दोनों जो है किससे पैदा होगा, बेसल बॉडी से होगा, बेसल बॉडी से, सेंट्रियोल लाइका स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, ऊपर देख लो जो मैंने बताया, ये देखो इंटरटेबियल ब्रिज, इसी को लिंकर बोलते हैं, पेरिफेरल टिश्यूज, ये दोनों को रेडियल, रेडियल स्पोक किसको किसको दे रहा है, बाहर वाले पेरिफेरल को और सेंट्रल शीथ को, और ये दोनों आपस में किसके थ्रू, ब्रिज के थ्रू, और ये सब आप बाहर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलो आ जाओ, सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल के मिलकर के सेंट्रोमियर बनता है, ये देखो सेंट्रियोल है ना दो, और दोनों 90 डिग्री में होगा, सॉरी ये ज्यादा, एक बड़ा एक छोटा बन गया, ये देखो एक सेंट्रियोल ऐसे है और एक सेंट्रियोल ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर टू इच अदर होता है, ये याद रखना है ना, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम में पूछेगा कॉट लाइक व्हील स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, सेंट्रोसोम का है ना, ये जो होता है मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल, नो ये भी नो पेरिफेरल फाइब्रिल से मिलकर के बना है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है इच, और बाहर वाला जो होता है बाहर वाला वहां पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट है, उसके उसके मिडिल वाले को क्या बोलते थे, जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर था एक्जोनिन, और इसको हब बोलते हैं, इसको हब बोलते हैं विच कनेक्टेड विद डबल पेरिफेरल, ये भी रेडियल स्पोक से, ट्रिपलेट जो है हब से जुड़ा रहेगा रेडियल स्पोक से, इसीलिए कॉट व्हील स्ट्रक्चर फॉर्म सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया फ्लैजिला, अभी देखे थे कि सिलिया फ्लैजिला का फॉर्मेशन किससे होता है, बेसल बॉडी से, और स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन में स्पिंडल एपरेटस का जो स्पिंडल एपरेटस जो स्पिंडल फाइबर से निकलता है वो भी बेसल बॉडी से बनता है, लेकिन ये एनिमल सेल में, वो प्लांट सेल में। अब न्यूक्लियस आ जाओ, वाओ रॉबर्ट ब्राउन लिवन है बहुत पहले 1831 में, भाई ये तो सेल के आसपास ही, जिस समय सेल खो जाता उसके बाद ही रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खो दिया। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस टिन बाय बेसिक डाई, बेसिक डाई से होता है, ये याद रखना, नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, नेम जो क्रोमेटिन था उसे किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, पूछा जा सकता है। इंटरफेज न्यूक्लियस कैसा होता है, एक्सटेंडेड और इलेबरेट होता है, विस्तृत होता है ना, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर का मैट्रिक्स होगा और मोड स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, इसके इसमें भी बोले थे दो मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच वाले को क्या बोलते हैं, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, दोनों देख लो विड्थ कितना होता है 10 to 15 mm, ये फॉर्म बैरियर किसका बनाता है, इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, ये याद रखना, आउटर वाला मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस विद द साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम ऑल्सो बियर राइबोसोम, पता ही है कि राइबोसोम होता है, तो ये जो होता है कंटिन्यूस लेयर बनाता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इनवेलप जो होता है सम टाइम आ करके मिल करके माइन्यूट जाके पोर जैसा फॉर्मेशन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और वो जो होता है बाहर और अंदर दोनों करता है, दी न्यूक्लियर पोर पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मोलिकुल टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, देयर आर ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल होता है, लेकिन सब में बहुत ज्यादा, अभी सिनोसेटिक पढ़े थे, सिनोसेटिक हाइफा में भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस था, सिंसिसियम पढ़ेंगे वो भी होता है जो कोकोनट में, वो भी इसी का है, अब सब में न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अभी एनाटोमी पढ़े थे, सिप ट्यूब में नहीं होता था न्यूक्लियस, उसका कौन सा उसको कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस रेगुलेट करता था उसके शाम को, उसको टोटल काम को, शाम को नहीं टोटल काम को, और याद करो सिब ट्यूब का ही जो है प्रेशर ग्रेडियंट कौन कौन कंट्रोल करता था, प्रेशर ग्रेडियंट भी कॉम्पेनियन सेल कंट्रोल करता था क्योंकि न्यूक्लियस था ही नहीं, तो आरबीसी और सिब ट्यूब के बीच, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं रेड ब्लड सेल इन मेनी मेल, सिब ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट क्या ये न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियर न्यूक्लियस और क्रोमेटिन, और भाई न्यूक्लियर जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो वो क्या क्या रखेगा, न्यूक्लियोलस रखेगा और क्रोमेटिन रखेगा और कुछ भी नहीं, अब क्या है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट मेम्ब्रेन, हाँ ये भी याद रखना, न्यूक्लियोलस जो है वो भी
मेम्ब्रेन बाउंड और गैलेन नहीं है तो अभी तक दो तीन पढ़ चुके हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जल्दी से याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये सब डबल मेम्ब्रेन है, सिटी जे साइट फॉर एक्टिव, देखो हाँ, न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का करता है, पूछा जा चुका है नीट में, लार्जर और डिवर्स एक्टिवली जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में रहेगा उसमें न्यूक्लियोलस ज्यादा रहेगा, इसमें कौन सी बात बता दिया इन्होंने, इंटरफेजिक न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, इलेबरेट होता है ना, और लार्ज होता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, लूज और इंडिस्टिंक्ट होता है, बट डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिविजन, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट सेल इंटरफेज के बारे में क्या होता है, एम फेज, माइटोसिस फेज, उसमें इसको इसका नाम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो भी होता है, क्रोमोसोम में सब होता है, ये याद रखना, क्या क्या याद करोगे यार, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में सब होता है, आरएनए होगा, डीएनए होगा, हिस्टोन होगा, नन हिस्टोन होगा, फलाना चमा दिमाग का सब होगा, सब होगा, डीएनए सब बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन नन हिस्टोन सब पाया जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी मारेगा ऑल ऑफ देम मार देना। यहाँ पे कैसे यही बोला गया, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, 2.2 मीटर का, यहाँ पे 2 मीटर अप्रॉक्स दिखा है, हमारी डीएनए की लंबाई कितना है, 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर है। एब्री क्रोमोसोम में एक जो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियल बोलते हैं, इसके ऊपर बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये काइनेटोकोर है, ऑन विच साइड बेल्ट लाइक, ये कमर है, कमर को समझ लो सेंट्रोमियर, उसके ऊपर जो बेल्ट लगा रखे हैं वो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर ऐसा दिख रहा है, ये चारों तरफ से घेरा होता है। अब ये अब पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पे तीन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर चार टाइप में, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक और एक्सोसेंट्रिक, ठीक है। ये देखो अगर जो है बीच में इसे बराबर दो भाग में है तो ये मेटा है, ये मेटा है, अगर ये ऐसे हो गया एक बड़ा और एक छोटा तो ये सब मेटा हो गया, ये सब मेटा हो गया, है ना, सब मेटा हो गया, एक जो है बड़ा और एक जो है एकदम छोटा, एकदम छोटा, ऐसे एकदम एक एक्सट्रीमली छोटा आर्म है और एक बड़ा लॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, टिलोसेंट्रिक, सॉरी ये एक्रो एक्रो एक्रोसेंट्रिक, सॉरी गाइस, एक्रोसेंट्रिक, टिलो, टिलो का नाम ही, टिलो मींस ही होता है इन, है ना, टिलोसेंट्रिक में ये दूसरा होगा ही नहीं, इंड पे पाया जाएगा सेंट्रोमियर, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा रखा है। चलो वापस आ जाते हैं, अब ये देखो किसी में जो होता है सेकेंडरी के अलावा भी, प्राइमरी के अलावा भी दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, और बाहर वाले को सेटेलाइट बोलते हैं, ये नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, स्टेन नहीं होता है, और ये सब पढ़ लेना, ये सब चारों जो है हम शॉर्टकट में बता दिए, मीटा सब मीटा एक्रोसेंट्रिक, दोनों बराबर आर्म रहेगा क्या होगा, मेटासेंट्रिक, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक, एक एक्सट्रीमली लार्ज एक एक्सट्रीमली छोटा वो क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक, एक जो है सेंट्रोमियर वापस आकर के इंड पे लग गया, दूसरे आर्म के बारे में पता ही नहीं, टिलोसेंट्रिक, और अगर सेंट्रोमियर के अलावा दूसरा कंस्ट्रक्शन दिखे तो उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, सैटेलाइट, वापस देख लेना कौन शॉर्ट आर्म है लॉन्ग आर्म है। समटाइम फ्यू अभी बताया था नॉन अस्टेनिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सेटेलाइट, ये याद रखना, सेटेलाइट जो होता है नॉन अस्टेनिंग होता है, नॉन अस्टेनिंग होता है, ठीक है, सेकेंडरी एट ए कॉन्स्टेंट लोकेशन, डिफरेंशियल लोकेशन पे नहीं, अलग अलग नहीं, कॉन्स्टेंट उसका लोकेशन होता है, मैक्रोबॉडी इवेन इंपोर्टेंट, इसको लोग छोड़ देते हैं। ये भी देखो मेम्ब्रेन बाउंड मैन्यूट वेसिकल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड मैन्यूट वेसिकल्स है, मैक्रोबॉडी डेट कंटेंस वेरियस एंजाइम इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है मैक्रोबॉडी, अभी बार भी देख रखा था अभी तक, ठीक है। चलो गाइस हो गया खत्म, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से अपना ख्याल रखना, मन लगा पढ़ना, अभी तक नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, इससे क्या होगा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा अगर आप लोग ज्यादा देखोगे तो, लेकिन मुझे आप देखो या ना देखो मुझे तो पूरा कम्प्लीट करना है, तो मुझे लगता है एक भी बंदा देख रहा हो अगर मेरे वजह से उसे फायदा हो रहा है तो करवाएंगे भाई, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी आप करो या ना करो, बट मैं आपका हमेशा सहायता करते रहूंगा, और ठीक है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दो भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट, हम आपके साथ लगे हुए हैं, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो,
ठीक है, हमारा लक्ष्य 15 दिन में खत्म करना, वो 15 से 20 दिन में खत्म करेंगे नीट का।